मेरा भैया, उसके पापा नीचे चले गए थे दुकान पे उसके लिए कुछ खाने के लिए, तो मैंने, मेरा भैया घबरा रहा था, मैंने सिस्टर को बोला कि सिस्टर मेरा भैया घबरा रहा है, देखो इसके गले की आवाज खर खर आवाज आ रही है। सिस्टर ने नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा मेरे बाबू को। इस समय हम खंडवा के शासकीय मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और एक दुखद खबर हम इस समय की आपको बता रहे हैं। खंडवा के माता चौक क्षेत्र में रहने वाले एक 13 वर्षीय बच्चे का दुखद निधन हो गया है। बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता था और परिवार के लोगों का ये कहना है कि बीते दिनों साइकिल से गिरने के बाद उसे कई चोट लग गई थी, जिसका परिवार की तरफ से इलाज कराया जा रहा था। तो यह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बच्चे को भर्ती कराया गया था, तो यह उपचार के दौरान उसका दुखद निधन हुआ है। हम परिवार के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? माता चौक जसवाड़ी रोड। जी, आप क्या करते हैं? मिस्त्री काम करते, कालू भाई के नाम से मशहूर है। अच्छा, कालू भाई क्या हो गया था पूरा बताइए। ये अपने बालक साइकिल से गिरा। हाँ। तो बोले पापा मेरे को लग गई। भाइयों का क्या नाम था? विजय। अच्छा, कितनी उम्र थी? 13 साल। कौन सी क्लास पढ़ता था? 5वीं। अच्छा, क्या हुआ फिर साइकिल से गिर गया, क्या हुआ? वो चोट लगी तो हमने बोला चलो हॉस्पिटल लेके आते हैं। हाँ। यहाँ लेके आए। हाँ। यहाँ बताया तो बोले बारीक सी वो है, फ्रैक्चर है। फिर बोले पट्टा चढ़ाना है, तो पट्टा चढ़वा लिए। फिर दूसरे पट्टा चढ़वा के 13 तारीख को गए, 14 तारीख को पूरा पैर सूज गया। तो हमने बोला, वो बोले वाला बालक बोले, बोले यहाँ पे कुछ लग रहा है, बोले कुछ काट रहा है। तो मैंने बोला बेटा दर्द कर रहा होगा पैर। फिर रात में नहीं, रात को 10 बजे तक हमने फिर भी हमने संभाल संभाल नहीं आया नहीं। फिर हमने बोला तो हरापन, फिर वो एक जहाँ पे लगी थी यहाँ बता रहे थे पिक्चर, तो वहाँ की जगह इतना बड़ा बबूला हो गया, बिल्कुल भयंकर तरीका है। ये तो यार स्थिति खराब हो गई। फिर कल आप अस्पताल लेके आए? कल अस्पताल लेके आए तो फिर भी कम था, आप रात भर में वो तो और ज्यादा हो गई, पूरा पैर ही खराब हो गया, आपने भी देखा। हाँ। तो बस ये स्थिति है सर। जी जी, आप उनके परिवार से ही हैं? जी। आपका क्या नाम है? शशि कटारे है मेरा नाम। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं कल वो लड़के के पास 2 घंटे बैठी, लेकिन इतना सीरियस नहीं था, जिस तरीके से उसका पैर सड़ा है ना, बहुत भयंकर तरीके से सड़ा। अच्छा। तो ये किस कारण से 24 घंटे में इतना तेजी से खराब हो गया, तो मेरा निवेदन है कि जरा देखरेख करे तो अच्छे से करे। बेटा आपका भी है, हमारा बेटा है, आज त्योहार के दिन उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे ही बेटा है वो। 2 घंटे उसके पास रही लेकिन इतने अच्छे से बोला और आ जाए तो वो बोले ही नहीं मेरे। बहुत घरे उसकी माँ को देख के हमको इतनी घबराहट हो रही कि हम जब भी जाए ना तो खाली चाय पानी, बीमार में भी हमने कल चाय पिलाई मेरे को, लेकिन आज उनकी कंडीशन ऐसी, उसका पैर देखो आप, पूरा सड़ा दिया उन्होंने, पूरा सड़ा दिया, कैसे सड़ा वो ऊपर वाले जाने। मेरी तो एक निवेदन है कि थोड़ी जांच पड़ताल हो जरा, इतनी लापरवाही भी नहीं करना चाहिए। इस मामले की जांच की आप मांग करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मांग करती हूँ, इसकी पूरी जांच होना चाहिए, मेरे लड़के की एक एक जांच, क्योंकि इतना पैर 24 घंटे में नहीं सड़ता है जी। कोई कब बेटा हुआ? ठीक है, आपका क्या नाम है दादा? मेरा नाम एस के कटारे है और मैं जांगड़ा समाज का जिलाध्यक्ष हूँ समाज का, और मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल में जो विजय को भर्ती करा था उम्र 13 साल की, बराबर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है और उसी कारण यहाँ पे उसकी दुखद मौत हुई है। मैं इसके विधिवत जांच करवाना चाहते हैं हम लोग, ताकि उसमें पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। जी जी, ठीक है।